जी माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षत राज्य मंत्रिमंडल बैठक अनुष्ठित हो बैठक में 17 कोटी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर प्रस्ताव गुड़िक विषय मु डिटेल्स आपण को कह प्रथम प्रस्ताव हूँ राज्य में मांडिया जातीय फसल को प्रोत्साहन देवाई ओडिशा मिलेट मिशन जोटा 2017 आरंभ कर 2020-21 मसीहा पर्यटन चलूला तापर आहरी 6 वर्ष ताको एक्सटेंड करने राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन कर 2026-27 पर्यंत प्राय 2808 कोटी टंका एथिपाई खर्च करा जिवो 19 जिलार 142 ब्लॉक रे ओडिशा मिलेट मिशन वर्तमान कार्य करिवो यादारा राज्यर ये जो 142 ब्लॉक रो आदिवासी एवं क्षुद्र नाममात्र चाषी माने बहुल संख्या रे उपकृत हेबे आपण जानते राज्य सरकार मिलेट को बहुत प्रोत्साहित कर मिलेट प्रोक्योरमेंट करा जाउछे एवं मिलेट रो विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करी विभिन्न स्कीम जरिया रे एवं पीडीएस जरिया रे वर्तमान जोगे दिया जाउछे। नेक्स्ट प्रस्ताव हूँ आपण जानते राज्य सरकार आसंता 2024 सुधा प्रत्येक घर को पाइप जोगे पानी जल जोगे देवाई व्यवस्था कर से ही परिप्रेक्षी में आज 3 गोटी जिले में जो प्रोजेक्ट सब अप्रूव कर टेंडर होता है अप्रूव कर विषय मुझे कह ढेंकनाल जिले में 4 गोटी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को मिसाई टेंडर कराई ढेंकनाल जिलार 4 गोटी ब्लॉक जथा कामाख्या नगर परजंग कंकड़ाहाड़ एवं सदर ब्लॉक 71 ग्राम पंचायत 271 गाँ को पाइप जोगे पानी जल जोगे देवाई टेंडर आह्वान करा द्वारा प्राय 322,000 लोक उपकृत हेबे यही टेंडर रे जो लोएस्ट टेंडर जे पकेतिले लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 501 करोड़ 501 कोटी टंकरे एवं 5 वर्ष पई से ऑपरेशन और मेंटेनेंस करिवे 501 कोटी टंकरे L1 टेंडर को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछन्ते एवं ए जो काम से माने आसंता 2 वर्ष मध्य कंप्लीट करिवे। से भली केंद्रापड़ा जिलार 3 गोटी इंडिविजुअल पाइप वाटर स्कीम को कंबाइन करके टेंडर कराई केंद्रापड़ा जिलार 3 गोटी ब्लॉक जथा पट्टामुंडाई राजनगर एवं गरतपुर ब्लॉक 76 पंचायत 522 गाँ यादारा उपकृत हेबे एथरे जो टेंडर कराई एथरे लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 416 कोटी टंका रे L1 टेंडर पकईंट आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करते आसंता 5 वर्ष पर्यंत प्रोजेक्ट गुड़िकर ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेंगे एवं यही प्रोजेक्ट 24 मास मध्य कंप्लीट करा केन्द्रापड़ा जिलार प्राय 435,000 लोक या द्वारा बेनिफिट पाइबे। से भाई बालेश्वर जिलार 3 गोटी ब्लॉक जथा बालेश्वर सदर रेमुणा एवं खैरा ब्लॉक 41 पंचायत प्राय 262,000 लोकों पर पाइप वाटर जोगे देवाई गोटे टेंडर आह्वान करा जाइथिला सेथरे NCC लिमिटेड हैदराबाद L1 टेंडर पकेचंदे एवं 291 कोटी टंकारे अवार्ड करने आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करचंदे से माने मध्य आसंता 5 वर्ष पर्यंत यही प्रोजेक्ट को ऑपरेशन और मेंटेनेंस करिवे एवं यही प्रोजेक्ट 24 मास मध्य कंप्लीट करा जिवो। से भाई आज राज्य कैबिनेट ओडिशा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एक्ट 1998 आमेंडमेंट करा जाइछि आमेंडमेंट प्रस्ताव को अनुमोदन करछन्ते या द्वारा चेयरपर्सन एवं मेयर माने जो माने डायरेक्टली इलेक्टेड होके आछन्ते वर्तमान म्युनिसिपैलिटी एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानकर से माने वर्तमान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जो इलेक्शन इत्यादि हम से पार्टिसिपेट करें।
आ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को आज कैबिनेट अनुमोदन करचंदे जहाँ हूँ ओडिशा राजस्व सेवा बा ओडिशा रेवेन्यू सर्विस रो कैडर स्ट्रेंथ बढ़ावाई जो प्रस्ताव ताको राज्य कैबिनेट अनुमोदन करचंदे। पूर्वर ओडिशा रेवेन्यू सर्विस रे 1092 टी पोस्ट सैंक्शन कराइला। वर्तमान जेहेतु ओडिशा रेवेन्यू सर्विस रो बहुत अधिका चाहिदा अच्छे विभिन्न विभाग तरफ रु बहुत गुड़े वैकेंसीज अच्छी जथा एडिशनल तहसीलदार असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर सब रजिस्ट्रार कोर्ट ऑफिसर इत्यादि एवं अनेक लीव एवं ट्रेनिंग रिजर्व जेहेतु सर्टेज होतीपाई आहरी 198 गोटे नुआ पोस्ट ओआरएस कैडर क्रिएट करने प्रपोजाल आसला और ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर। स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट तरफ रु गोटे प्रपोजाल आसला आप जानते इंटीग्रेटेड माइंस एवं मिनरल्स मॉनिटरिंग सिस्टम जोटा I3MS कह। वर्तमान I3MS द्वारा जो आमर आयरन ओर जो ट्रक इत्यादि जाऊँचे एवं जो माइनिंग ताको कंप्लीटली मॉनिटरिंग करा एंड टू एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सब व्यवहार करी ताको राज्य कैबिनेट अनुमोदन करचंदे। 2027 मसिया पर्यंत I3MS को एक्सटेंड करिया पई एवं यादारा 326 कोटी टंका खर्च करा एवं जिते आयरन ओर आम राज्य रे उत्पादन होची एवं ट्रांसपोर्ट करा होची तार प्रति टन पिछा 1 टंका हिसाब से यूजर फी कलेक्शन करा जाउची एवं से यूजर फी रु ए जो टंका खर्च करा जिवो ताको भरना करा जिवो। आज राज्य कैबिनेट ओडिशा बेस्ड इंडस्ट्रीज जो माने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सब ओडिशा रे करचंदे से मानक पई जो लॉन्ग टर्म ओर लिंकेज पॉलिसी थिला ओएमसी रो ताको मध्य अमेंडमेंट प्रपोजल जो थिला ताको मध्य से माने अप्रूव करचंदे। या द्वारा ओडिशा भितर जो माने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सब करचंदे से माने उपकृत हेबे एवं ओएमसी मध्य या द्वारा उपकृत हेबे। से भले आज राज्य कैबिनेट गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे प्रस्ताव को अनुमोदन करचंदे या होची इटकल एवं इटकल जो सब्सिडियरी कंपनी थिला कलिंगा आयरन वर्क्स एवं एवं इटकल फेरोक्रोम एवं अलॉयज प्लांट जो अच्छी जाजपुर रोड रे ये जो दीटा सब्सिडियरी एवं इटकल को ओएमसी सहित मर्ज करने मिसाइवाई जो प्रस्ताव ताको राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन करचंदे। एवं आईएसएल बा इटकल सॉफ्टवेयर लिमिटेड जोटा गोटे सब्सिडियरी थिला इटकल रो ताको वाइंड अप करिया पई मध्य राज्य कैबिनेट अनुमोदन करचंदे। आज जल संपद विभाग तरफ गोटे प्रपोजल आसला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंगेज करिया पई जल संपद विभाग तरफ वर्तमान 30 कोटी ब्रिज कम बैरेज बा आईएसएस निर्माण कार्य हाथ को नि बड़ बड़ नदी मानक ब्रिज एवं बैरेज करने जोटि कि लार्ज स्केल रे वाटर कंजर्वेशन हो पार ड्रिंकिंग वाटर एवं अन्यान्य यूज पाई जल व्यवहार कर जल संरक्षण कराइपड़ा 6 मेजर एवं मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट एवं लोअर सुक्तेल जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन द्वारा जो इरीगेशन हम ये सब प्रोजेक्ट पाई गोटे बिडिंग प्रोसेस जरिया रे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंगेज करने टेंडर करा जाय थिला एवं से थिरे लोएस्ट टेंडर 115 कोटी टंका रे 3 वर्ष पाई अवार्ड करा जिवो एवं से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से ये जो प्रोजेक्ट गुड़िकर सब जो प्लान डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेट इत्यादि सब वेटिंग करिवे एवं ईपीसी एजेंसी जो माने कॉन्ट्रैक्टर काम करे ताको से माने वेटिंग करिवे एवं अबाउट 300 रु अधिक मैन पावर से माने डिप्लॉय करिवे। या द्वारा आशा करा जाउछे जो प्रोजेक्ट सब बड़ बड़ प्रोजेक्ट सब चलछे आहरी फास्ट
काम हो पार एवं बहुत शीघ्र एवं टाइमली से प्रोजेक्ट सब कम्प्लीट हो पार। या छड़ा जल संपद विभाग तरफ गोटे प्रपोजाल आसला ब्राह्मणी नदी में गोटे ब्रिज कम ब्यारेज गोटे इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर करने ब्यारेज करने ब्राह्मणी नदी में खलपल ठारे एवं जो टेंडर कराई से जो एल वन बिडर 219 कोटी टंकरे अवार्ड करने राज्य कैबिनेट तक अनुमोदन कर आसंता पांच वर्ष पर्यंत तार ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे एवं यही प्रोजेक्ट जो खलपल जो इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर हम तातीस मस मध्य कम्प्लीट हम यादारा ब्राह्मणी नदी अनुगुल जिले में ढेंकनाल जिले में परजंग ब्लॉक परजंग टाउन सरांग एवं तालचेर टाउनशिप टीटीपीएस टाउनशिप एफसीआई टाउनशिप एवं अन्यान्य जो गाँव सब अच्छी नदीकूल समस्त ड्रिंकिंग वाटर एवं अन्यान्य रिक्वायरमेंट पे सफिशिएंट पानी अवेलेबल हो छड़ा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग इत्यादि हम तेणु यही प्रोजेक्ट ब्राह्मणी नदी में आज करने राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर वर्क ऑर्डर इश्यू कर से भाई आज राज्य कैबिनेट माइनर इरिगेशन कैडर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट तार रिस्ट्रक्चरिंग को मध्य अनुमोदन कर आज राज्य कैबिनेट गोटे नूतन स्कीम वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ताको अनुमोदन कर कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो स्कीम टा कराई जल संपद विभाग तरफ यह ओडिशा रो 27 टी अर्बन लोकल बॉडी जोटी की वाटर स्ट्रेस कंडीशन अच्छी एवं प्राय 30,000 प्राइवेट बिल्डिंग एवं प्राय 2,000 गवर्नमेंट बिल्डिंग छात्र जल संरक्षण करी जल संग्रह करी रिचार्ज करने स्कीम रे व्यवस्था अच्छी एवं आसंता पांच वर्ष मध्य प्राय यही स्कीम 270 कोटी टाँग खर्च करद्वारा जो जो अर्बन एरिया एवं पंचायत एरिया एवं अन्यान्य रूराल एरिया जोठी ग्राउंड वाटर तल को चल जाऊँ से जगह ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पार एवं आसंता पांच वर्ष मध्य कम्प्लीट हे ए जो मैंने करेंगे जो मैंने प्राइवेट लोक एवं गवर्नमेंट ऑफिस जो थे ये प्रोजेक्ट सब इम्प्लीमेंट कर सब्सिडी व्यवस्था रही आज जल संपद विभाग तरफ आउ गोटे बहुत इम्पोर्टेंट प्रपोजल आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन प्रस्ताव दि जाइए जहाँ हूँ ओडिशा उपकूल अंचल जो लुणा बंध सब अच्छी तार स्ट्रेंथनिंग करने हाइट बढ़ायापी प्राय 36 टी लुणा बंध जार लेंथ हूँ प्राय 200 किलोमीटर ओडिशा बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा एवं पुरी जिले में सिलेक्ट कराई एवं ये लुणा बंधर हाइट आर वेट सब बढ़ा जाद्वारा कि साइक्लोन समय रे लुणा लुणा पानी जमी इनग्रेसन हेनी फ्रेश वाटर को कंटामिनेट करनी से ये प्रोजेक्ट कराई एवं यार ना हूँ साइक्लोन रेजिलिएंट सालाइन एम्बैकमेंट प्रोजेक्ट एवं आसंता आसंता तीन वर्ष मध्य प्रोजेक्ट पे लुणा बंधर स्ट्रेंथनिंग प्राय 763 कोटी टंकार व्ययबराद कराई राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर जो लुणा बंध प्राय 200 किलोमीटर जो स्ट्रेंथन कर चार जिले में से प्राय 21,600 हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड प्रोटेक्टेड हम एवं प्राय 2,92,000 लोक 136 टी गाँव प्रोटेक्टेड रे जो साइक्लोन आ सब हम ताको प्रोटेक्शन दबो से जल संपद विभाग तरफ आउ गोटे प्रपोजल आसला ब्यारेज कम ब्रिज करने कोयल नदी उपरे हमीरपुर गाँव पाखे सुंदरगढ़ जिलार राउरकेला पाखापाखी एवं तार मध्य टेंडर करा जाइतिला एवं टेंडर रे 309 कोटी टंका आसला एल वन टेंडर
एवं ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछन्ते एवं पांच वर्ष पई ऑपरेशनल मेंटेनेंस करा जिबा पई मध्ये ताको अप्रूव कराय छे एवं एई प्रोजेक्ट मध्ये अढ़ाई वर्ष मध्ये कंप्लीट करिया पई लक्ष्य धार्य कराय छे एवं या द्वारा सुंदरगढ़ जिलार प्राय पांच लक्ष लोक बेनिफिट पाइबे। शक्तिनगर, कोयल नगर, झीरपाणी एवं राउरकेला स्टील टाउनशिप, विश्रा, नुआगाँ, कुआरमुंडा ब्लॉक इत्यादि बहुत लोक या द्वारा बेनिफिट पाइबे कारण ब्रिज कम बैरेज स्ट्रक्चर हमीरपुर ठारे कोयल नदी उपरे करिया पई अप्रूव करा जाय छे। आज लास्ट प्रपोजल थिला लोअर सुक्तेल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बलांगीर जिले रे काम चलछे तार राइट कैनाल सिस्टम जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल सिस्टम ताको अंडरग्राउंड पाइपलाइन करिया पई जो टेंडर कराई थिला प्राय 27,000 हेक्टर जमी को इरिगेट करिया पई एवं प्रत्येक हेक्टर रे गोटे गोटे आउटलेट दवा पई ताको टेंडर कराई थिला एवं सेथिरे जो L1 टेंडर जो आसछि 998 कोटी टंका ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछन्थे एवं या परे वर्क ऑर्डर दिया जाए काम आरंभ करा जिवो। से भले पांच वर्ष पई तार जो मेंटेनेंस अछि ऑपरेशन मेंटेनेंस ताको मध्य अप्रूव कराय छि। ए काम मध्य आसंता अढ़ाई वर्ष मध्य कंप्लीट करिया पई लक्ष्य धार्य करा जाय छि। या द्वारा बलांगीर जिले रे लोअर सुक्तेल रो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैनाल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अंडरग्राउंड पाइपलाइन जरिया हम एवं से खूब कम पानी लॉस हम एवं 27,000 हेक्टर यादव इरिगेशन हो पार ता छड़ा प्राय 18 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मध्य बलांगीर टाउन रो पीवा पानी पे जो रिक्वायरमेंट अच्छे ड्रिंकिंग वाटर पे ताकु मध्य से प्रोजेक्ट रो मीट करा जिवो एवं यादारा आशा करा हुचे बलांगीर जिले रे चाषी मान सबस्टेंशियली इम्प्रूव हम डेवलपमेंट हम एवं जेहेतु कंट्रोल इरिगेशन हम पाइप द्वारा से माने अनेक गुड़े अर्थ करी फसल करें और इनकम सबस्टेंशियली बढ़े पारे। यह 17 गोटी प्रपोजल आज राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन करछन्।